कौन से चैप्टर में फॉल करता है? चैप्टर 4, राइट। इसके कनेक्टिंग सेक्शंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले। इसके कनेक्टिंग सेक्शंस जो हैं, सेक्शन 6 है पहले। चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस, और सबसे पहले लेट्स स्टडी सेक्शन 6। ओके। राइट। पढ़िए, सेक्शन 6 जनरल एक्सेप्शन से रिलेटेड है। आईपीसी का सेक्शन 6 है। डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पेनल प्रोविजन एंड एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ सच डेफिनेशन और पेनल प्रोविजन। ठीक है, मैं अभी तक जितना पढ़ा है उसके कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ। Every definition of an offense, section 107 defines what is abetment. ठीक है, इसी तरीके से conspiracy का भी 120A जो है, basically उसमें भी थोड़ा सा definition का part है। basically purpose ये है कि ये कहना चाहते हैं, throughout this code every definition of an offense, हर जो definition है offense का वाला, जहाँ पे जो section है जो offense की definition define करता है, और एवरी पेनल प्रोविजन जहाँ पे पनिशमेंट दे रखी है, लाइक 108 अबेटमेंट के केस में, 120B कॉन्स्पिरेसी के केस में, एंड एवरी इलस्ट्रेशंस। तो हमने इलस्ट्रेशंस देखे थे 108 में, मतलब अबेटमेंट में काफी सारे इलस्ट्रेशंस दिए हुए थे। एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ सच डेफिनेशन और पेनल प्रोविजन, ठीक है, चाहे वो इलस्ट्रेशन डेफिनेशन का हो चाहे पेनल प्रोविजन का इलस्ट्रेशन हो, शैल बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस। इन्होंने कह दिया जितने भी तुम ये प्रोविजंस पढ़ रहे हो उन सब पर एक्सेप्शंस लगेगा। ठीक है, एक्सेप्शंस जो एक्सेप्शन के सेक्शन है, एक्सेप्शन के सेक्शंस कौन से हैं? चैप्टर 4 में जितने भी एक्सेप्शन के सेक्शंस आ रहे हैं, अगर ये सेक्शन ना दिया होता तब क्या प्रॉब्लम होती? अगर सेक्शन 6 ना होती, ना होता, लेट से सेक्शन 6 नहीं डालते ये लोग, तो क्या होता? हर सेक्शन के साथ इनको जनरल एक्सेप्शंस लगानी पड़ती। तो ये कॉमन सेक्शन बनाने के लिए ना इन्होंने सेक्शन 6 इंट्रोड्यूस कर दिया, और ये कहा कि जितने भी सेक्शंस हैं उन सब के साथ जनरल एक्सेप्शंस सब्जेक्ट होंगी। मतलब उनका एक एक्सेप्शन सा बना दिया कि ये इन ऑफेंसेस में अगर कोई भी जनरल एक्सेप्शन लग जाएगी तो वो ऑफेंस में आपको एग्जाम ऑफेंस ट्रीट नहीं होगा, या फिर उसकी ग्रेविटी कम हो जाएगी। राइट, जैसे हम पढ़ेंगे और आगे तो और क्लियर होंगी ये चीजें। शैल बी अंडरस्टूड, ये कह रहे कि सब कुछ शैल बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस कंटेन इन चैप्टर एंटाइटल्ड जनरल एक्सेप्शन। तो हमें पता है चैप्टर 4 है, दोज एक्सेप्शंस आर नॉट रिपीटेड। ठीक है, यही कह रहे हैं जो मैंने बताया था अभी, इनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस चैप्टर से आप कोरिलेट कर दो तो दैट इज सफिशिएंट। दो इलस्ट्रेशंस भी दिए हुए हैं इन्होंने साथ में। द सेक्शन इन दिस कोड व्हिच डिफाइंस व्हिच कंटेन्स डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस डू नॉट एक्सप्रेस दैट अ चाइल्ड अंडर 7 इयर्स ऑफ एज कैन नॉट कमिट सच ऑफेंस। ठीक है, अब मैंने एक कॉन्स्पिरेसी पढ़ाया था, वहां पे ये चीज मेंशन नहीं थी कि चाइल्ड कर सकता है कि नहीं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बोल दिया है कि जितने भी सेक्शन थे उन सब पे जनरल एक्सेप्शंस लगी जाएगी। तो अगर कोई चाइल्ड कॉन्स्पिरेसी करता है तो उसके ऊपर ये कॉन्स्पिरेसी का चार्ज नहीं लगेगा। बट द डेफिनेशंस आर टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शंस व्हिच प्रोवाइड्स दैट नथिंग शैल बी एन ऑफेंस डन बाय चाइल्ड अंडर 7 इयर्स ऑफ एज। तो 7 साल से अगर कम उम्र का बच्चा कॉन्स्पिरेसी फॉर एग्जाम्पल करता है तो उसके ऊपर वो कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस नहीं लगेगा। हम 120A रेड विद जनरल एक्सेप्शंस कर देंगे तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कोई डाउट अभी तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ पुलिस ऑफिसर, ये दोबारा आएंगे सारे सेक्शंस। अ पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अप्रिहेंड्स Z, who has
कमिटेड मर्डर, ठीक है, जेड को अरेस्ट कर लिया उसने पुलिस ऑफिसर ने, क्योंकि जेड ने मर्डर किया था। हियर ए इज नॉट गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, उसने अरेस्ट किया लेकिन उसके ऊपर चार्ज नहीं लगेगा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का ए के ऊपर, क्योंकि उसने जेड को पकड़ा हुआ था तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि वो ही इज बाउंड बाय लॉ, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर है एंड ही इज बाउंड बाय लॉ टू अप्रिहेंड जेड। तो ये कहना चाहते हैं कि जेड को अरेस्ट करना उसकी ड्यूटी के अंडर आता था, क्योंकि जेड ने मर्डर किया था और उस पे ए पर जो पुलिस ऑफिसर है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का चार्ज नहीं लगेगा, एंड देयर फोर द केस फॉल्स विद इन जनरल एक्सेप्शन विच प्रोवाइड्स दैट। तो आगे जब हम देखेंगे सेक्शंस में जनरल एक्सेप्शन के, तो एक सेक्शन ये भी मिलेगा हमें, शायद 76 या 79 है दोनों में से एक। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट, ठीक है, पुलिस ऑफिसर से किया गया जो अरेस्ट है दैट विल नॉट बी एन ऑफेंस बिकॉज ही इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट। ये क्लियर है सेक्शन? यस सर। ठीक है, नाउ एक और सेक्शन उठाते हैं इसका, कनेक्टिंग सेक्शन, एविडेंस एक्ट। कंट्रोल 105, ठीक है, इसको थोड़ा सा और नीचे से, हाँ पढ़ो इतने, मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग ठीक कर रहा हूँ। सेक्शन बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट द केस ऑफ एक्यूज्ड कम्स विद इन एक्सेप्शन, ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ प्रूविंग दैट द केस ऑफ द एक्यूज्ड कम्स विद इन एक्सेप्शन, किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है और वो उसका डिफेंस लेगा। व्हेन अ पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस द बर्डन ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सरकमस्टांसेस, ठीक है, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सरकमस्टांसेस, किस किसकी जो एक्यूज्ड होगा उसके सरकमस्टांसेस, ब्रिंगिंग द केस विद इन एनी ऑफ द जनरल एक्सेप्शंस जहाँ पे वो जनरल एक्सेप्शंस का डिफेंस लेना चाहता है, और विद इन एनी स्पेशल एक्सेप्शन और स्पेशल और स्पेशल एक्सेप्शन और प्रोविजो कंटेन्ड इन एनी अदर पार्ट ऑफ द सेम कोड। देखो अब इसने एक तो जनरल एक्सेप्शन वाला चैप्टर उठा लिया, चैप्टर 4, और दूसरा और क्या हो सकता है बताओ कहीं पे कोई। सर आपने स्क्रीन शेयर की ओह है सॉरी, क्या? क्या मैं हूँ, आई थॉट आई स्क्रीन हैव शेयर ऑलरेडी ही नहीं शेयर्ड, हुई। आई एम सो सॉरी यार, मैंने एक सेक्शन ऐसे ही पढ़ा दिया था। बताओ अब स्क्रीन दिख रही है? यस सर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो सेक्शन 6 तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना, आईपीसी का। नाउ ये है 105 इंडियन एविडेंस एक्ट। बर्डन ऑफ द केस, बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट द केस ऑफ द एक्यूज्ड कम्स विद इन द एक्सेप्शंस, व्हेन अ पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस द बर्डन ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सरकमस्टांसेस ब्रिंग द केस विद इन एनी ऑफ द जनरल एक्सेप्शंस, ठीक है, एक ही कहता है कि एनी ऑफ द जनरल एक्सेप्शंस के अंडर और विद इन एनी स्पेशल exceptions or proviso within same court in either law defining the offense is upon him. देखो ये तो क्लियर है ना, जनरल एक्सेप्शंस वाला चैप्टर 4, ये क्या है, ये कहाँ पे मिलेगा?
ये पूरे एक्ट में ना जगह जगह पर इन्होंने एक्सेप्शंस डाल रखे हैं, जैसे मर्डर टू कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर करने में भी वहां पे एक्सेप्शंस हैं, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन वाली, तो ऐसे जगह जगह पे इन्होंने एक्सेप्शंस डाल रखे हैं। ग्रेवियस हर्ट में भी है जहाँ पे प्रोवोकेशन पे नहीं मिलता है, तो 300 में भी है और ऐसे ही उसमें भी है, क्या कहते हैं 325 में भी। खैर इज अपॉन हिम, बेसिकली सेक्शन कहता है कि किसका किसके ऊपर बर्डन है प्रूव करने का कि मैं एक्सेप्शन में फॉल करता हूँ, इज ये एक्यूज्ड पे बर्डन है। और दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज, कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस नहीं थे। कुल मिला के कंक्लूजन ये निकलता है कि आपको ही प्रूव करना है कि आपके पास किसी भी एक्सेप्शन का डिफेंस है कि नहीं है। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, इससे ज्यादा क्लियर होगा। ए एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, ए के ऊपर मर्डर का चार्ज लगा, एलिजेस दैट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, वो कह रहा है कि मेरी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से उसको पता नहीं था नेचर ऑफ द एक्ट, ठीक है, उसको पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। अब इसका प्रूव करना ए के ऊपर खुद के ऊपर होगा, उसको इसको प्रूव करना पड़ेगा। दूसरा, ए एक्यूज्ड ऑफ मर्डर एलिजेस दैट माय ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन ही वाज डिप्राइव्ड ऑफ क्या है एक्ट में, पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल होगा। हाँ ठीक है, पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। अब ए ने कहा कि मुझे उसने इतना प्रोवोक कर दिया कि मैं अपनी सेल्फ कंट्रोल लूज कर गया, इस वजह से मैंने उस दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर दिया, उसका भी बर्डन ए के ऊपर ही है, राइट। बेसिकली सेक्शन कहता है कि किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा। सेक्शन 325 मैंने बताया था पहले, ये उसका है हर्ट या फिर ग्रीवियस हर्ट का, उसमें भी सेम चीज है कि प्रोवोकेशन होगा तो ग्रीवियस हर्ट पे कुछ एक्सेप्शंस लगा रखी हैं, और अब ये भी उसी को ए को ही प्रूव करना पड़ेगा कि वो एक्सेप्शन में फॉल करता है कि नहीं करता। तो ये स्पेशल एक्सेप्शन है, ठीक है, ये भी स्पेशल एक्सेप्शन है, इसको इसके साथ रिलेट कर लेना, बी और सी इसके साथ रिलेट होती है स्पेशल एक्सेप्शन, और जो अनसाउंडनेस है ये जनरल एक्सेप्शन है, तो ये जनरल एक्सेप्शन के साथ रिलेट करते हैं। अंडरस्टूड, लिखवा दूं एक छोटा सा नोट, लिखो अंडर सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, अंडर सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, इट इज फॉर द कोर्ट to mandatorily presume that the circumstances of general exception does not exist, that the circumstances of general exception does not exist, and therefore the burden of proof upon the accused becomes more strict. However, the burden is not to the extent of proving. However, the burden is not to the extent of proving beyond reasonable doubt.
The accused cannot open his mind. The accused cannot open his mind before the court. Before the court. Rather, the accused has to prove. The accused has to prove surrounding circumstances. And in those surrounding circumstances, and in those surrounding circumstances, the court has to weigh, W-E-I-G-H, the court has to weigh and balance the circumstances. And accordingly, the court will decide. And accordingly, the court will decide. स्टार्ट करते हैं जनरल एक्सेप्शंस सेक्शन 82. सिंपल सिंपल सेक्शन है सिंपल लैंग्वेज में. Act of a child under 7 years of age. Act of a child under 7 years of age. Nothing is an offense which is done by a child under 7 years of age. ठीक है? Section 7 कहता है कि 7 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे के ऊपर offense का charge नहीं लगेगा. ठीक है? अब मैंने abetment पढ़ाया था. मान लो एक father है अपने son को poison देके बोलता है कि उस uncle की चाय में डाल दो. Child की क्या liability होगी? अंकल की डेथ हो जाती है. तो भी नहीं. अगर ये सेक्शन ना होता तो मर्डर यही बोलते हैं ना. जो जो अबेटेड पर्सन होता है अगर मान लो वो ऑफेंस कर रहा है तो उसको उसी का चार्ज लग जाता है. ठीक है? मर्डर का चार्ज लग जाता. वो जाएगा कहेगा अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखा के कि मैं तो 7 साल से कम उम्र है मुझे इसका डिफेंस चाहिए. देन ही विल गेट द डिफेंस ऑफ दिस. राइट? इसको नोट कर लेना. जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में लिखा हुआ आता है इसका इसको बोला भी जाता है ऐसे डोली इन कैपेक्स. डोली इन कैपेक्स. कैपेक्स हाँ यही है. DOLIINCAPAX. इसका मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ डूइंग हार्म. ये मल्टीपल चॉइस में कई बार पूछ लेते हैं. सेकंड सेक्शन करते हैं. ठीक है नीचे लिख देता हूँ. इसको बोलते हैं इसको पहले बता देता हूँ. इसको डोली कैपेक्स बोलते हैं. DOLI कैपेक्स. पढ़ो सेक्शन और समझने की कोशिश करो. Nothing is an offense which is done by a child above 7 years. 7 years से नीचे वाले ऊपर कवर हो गए 82 सेक्शन में. 7 years से ऊपर वाले 83 सेक्शन में कवर हो गए. लेकिन यहाँ पर 12 years तक ही कवर्ड है. ठीक है? Who has not attained the sufficient maturity of understanding to judge the nature and consequence of his conduct on that occasion.
ठीक है। बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि 7 से 12 साल की उम्र के जो चाइल्ड होते हैं, अगर उनको समझ नहीं है किसी चीज की कॉन्सिक्वेंस की, अपने कंडक्ट की, जो वो कर रहे हैं एक्ट, तो उनके लिए एग्जेम्प्ट है, एक्सेप्शन मिल जाएगा उनको। लेकिन जो जिनको समझ है उनको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। ये सब वही सराउंडिंग सरकमस्टांसेस, जजेस पे डिपेंड करता है, क्या था उस टाइम, क्वेश्चनिंग करी जाएगी तो वहां पे पता लगती हैं चीजें। बट सेक्शन कहता है कि अगर समझ नहीं है तो उस पे वो चार्ज नहीं लगेगा। कोई डाउट? नो सर। राइट, नेक्स्ट सेक्शन करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, इन सेक्शन में बहुत कुछ है। पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग बताओ मुझे क्या है, ट्राई करो, कोई बात नहीं। सर, इस सेक्शन में कहा गया है कि कोई भी पर्सन जिस टाइम कोई एक्ट कर रहा है, अगर वो उस टाइम मतलब अनसाउंड है और उसे ये नहीं पता है कि जो वो काम कर रहा है, जो वो एक्ट कर रहा है, उसका नेचर क्या है, तो उसे इस सेक्शन के अंदर एक्सेप्शन मिलेगा। ठीक है, और कोई, किसी का कोई डिफरेंट व्यू? ठीक है, पढ़ते हैं इसको, सेक्शन को ब्रेक करते हैं। नथिंग इज एन एक्ट व्हिच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से इज इनकेपेबल ऑफ डूइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और दैट व्हाट ही इज डूइंग इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रारी टू लॉ, आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रारी टू लॉ। आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रारी टू लॉ, एक एक को पकड़ते हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, ऑफेंस करने से पहले साउंड था, ऑफेंस करने के बाद साउंड था, ऐसे बहुत सारे डिजीज होते हैं। ठीक है, जब जब मतलब क्या बोलते हैं, टेम्परेरी अनसाउंडनेस, किसी टाइम पे साउंड है किसी टाइम पे नहीं है। अगर मान लो क्राइम करने से पहले साउंड था, बाद में साउंड, क्राइम करने के बाद साउंड था, लेकिन क्राइम के टाइम पे अनसाउंड था, तो क्या उसको डिफेंस मिलेगा इस चीज का? क्या सर, रिपीट करना एक बार। देखो, ऑफेंस करने से पहले साउंड था, ऑफेंस करने के बाद साउंड था, लेकिन ऑफेंस करते हुए अनसाउंड था, विल ही जी गेट द सर, डिफरेंस? उसे मिलेगा एक्सेप्शन। राइट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फ्लक्चुएटिंग अनसाउंडनेस के डिजीज होते हैं, जहां पर अनसाउंडनेस परमानेंट नहीं होती, कभी व्यक्ति साउंड हो जाता है कभी अनसाउंड हो जाता है। तो जिस टाइम पर वो अनसाउंड होगा, अगर वो क्राइम उस टाइम पे किया होगा, ऑफेंस उस टाइम पे किया होगा, तो उसको इसकी एक्सेप्शन मिल जाएगी। लिखो इसके ऊपर, द अनसाउंडनेस ऐसा लगता है ना सोचकर कि ऐसे तो हर बंदा ये बोलेगा कि मैं क्राइम करते हुए अनसाउंड था, पर ऐसा होता नहीं है। बहुत सारी चीजें प्रूव करनी पड़ती है, मेडिकल इंसैनिटी, लीगल इंसैनिटी, ऐसी बहुत सारे एविडेंस देने पड़ते हैं डॉक्टर्स के और सारी चीजें। इसलिए इतना इजी नहीं होता अनसाउंडनेस प्रूव करना। सर, ये जो साइकोस होते हैं, मतलब ये कई बार होते हैं कि साइको है, किसी ने क्राइम कर दिया है, तो क्या उन्हें भी इसी सेक्शन के अंदर एक्सेप्शन मिलते हैं? हाँ, इन्हीं में मिलते हैं, मेंटल असाइलम भेज देते हैं।
मैं बताऊंगा बाद में, सीआरपीसी में पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, और ओके वो सर, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए कोई भी कोचिंग, फॉर्मल कोचिंग सेंटर्स में वो पढ़ाया नहीं जाता। मैं बता दूंगा आप लोगों को जब ये मैं इंटॉक्सिकेशन अनसाउंडनेस वाला कंप्लीट कराऊंगा ना, तो उनके सेक्शंस बता दूंगा, वो आप पढ़ लेना या फिर हम लोग पढ़ लेंगे इकट्ठे। ओके सर, ठीक है, इसको नोट करो, द अनसाउंडनेस दैट इज द इनकेपेबिलिटी ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। एटसेट्रा इज एट द टाइम व्हेन द ऑफेंस वॉज कमिटेड। Is at the time when the offense was committed. That is, at the time when the act or omission, that is at the time when the act or omission which resulted into the offense was committed, which resulted into the offense was committed. The unsoundness may have been before the commission of the act or it may have been after the commission of the act. Or it may have been after the commission of the act. But in such a case, the accused will not get the defense. All the evidences that the accused proves, all the evidences that the accused proves should pinpoint clearly that he was unsound. At the time when the offense was actually committed. देखो एविडेंसेस बहुत सारे देखने पड़ते हैं इसके अंदर, जैसे मोटिव होगा, प्रिपरेशन होगा, कंसीलमेंट का डिजायर हो सकता है, और जो स्टेटमेंट्स वो दे रहा है वो झूठी हो सकती हैं, कंडक्ट तो है ये पहले बाद में उसके दौरान ऑफेंस के दौरान, सो ऑल दीज थिंग्स विल बी सीन। इतना इजी होता नहीं है डिफेंस लेना अनसाउंडनेस का, घूम फिर के फिर वो चीजें वही सरकमस्टांसिस पे आ जाती हैं और वो डिफेंस मिलता नहीं है इतना इजीली, अनलेस की बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हो। राइट एक सेंटेंस और लिखो।
हाँ चलो, बाय रीजन ऑफ अनसाउंड, ये तो हो गया बात, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड भी लगभग उसी में ही कवर्ड है, ये तो डेफिनेशन ही है. इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, इसका मतलब क्या होता है कि उसको पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में देखें, ठीक है, उसने कर दिया, बट ही इज नॉट एबल टू जज कि वो क्या कर रहा है. आपको एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन देखोगे ना, सब में ऐसा नजर आएगा कि उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है, उसको सारा, क्योंकि ये प्रिपरेशन से रिलेटेड होता है. प्रिपरेशन ना, जितने भी क्वेश्चन देख लो एग्जाम के, उनमें सब में आपको मिल जाएगा प्रिपरेशन तो उसने करी है, दैट मीन्स समझ जाओ कि ये तो ही इज केपेबल ऑफ डूइंग नोइंग द नेचर ऑफ हिज एक्ट. बट इसमें क्रक्स है, वो मैं बताऊंगा अभी आपको गोइंग फॉरवर्ड. लिखो इसके ऊपर, द वर्ड इनकेपेसिटी टू नो द नेचर ऑफ द एक्ट, द वर्ड इनकेपेसिटी टू नो द नेचर ऑफ द एक्ट एम्बॉडीड इन सेक्शन 84 रिफर्स टू दैट स्टेट ऑफ माइंड